हे द गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो यार, पोकेमोन में काफ़ी बार ऐसी हरकतें हुई हैं जो कि बहुत ज़्यादा ब्रूटल है, एंड जिसके कारण भाई ये पोकेमोन का वर्ल्ड ना कभी कभी अपने रियल वर्ल्ड के ब्रूटैलिटी से भी थोड़ा ज़्यादा ही रियल लगने लग जाता है। तो चलो मैं बात करता हूँ कुछ ऐसे चार पांच चीज़ों के बारे में जहाँ पे पोकेमोन एनीमे लिटरली रियलिटी से ज़्यादा रियल लगने लग गया था। वो इसलिए तुम सभी को पता होगा, बैक व्हेन पोकेमोन जब पहली बार आया था, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, तो ऐसे काफ़ी सारे क्रिटिक्स थे जिसके अकॉर्डिंग मतलब पोकेमोन जो है वो एनिमल अब्यूज़ को प्रमोट करता है, क्योंकि ऐसे काफ़ी सारे सेंटिमेंट मतलब हम लोगों का जानवरों के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। एंड कोई भी एक इंसान देख नहीं सकता अपने सामने किसी एक जानवर को मरते हुए या फिर उस पर किसी को अटैक करते हुए, ठीक है। बट सिमिलरली हम लोग को पार्ट टू द पोकेमोन लीक नाम का एक एपिसोड था जिसके अंदर हम लोग को ऐश का एक न्यू दोस्त मिलने वाला था, एजे। तुम जानते हो भाई, वो कमाल का ट्रेनर था, बट प्रॉब्लम ये थी कि वो अपने सैंडश्रू को ट्रेन करने के लिए उस पर बहुत ब्रूटल तरीके से पेश आता था, उसको मारता था, एंड उसको मतलब ऐसे ऐसे कंडीशंस में ट्रेन करता था जो कि उसकी बॉडी के लिए बिल्कुल अनफेवरेबल है, जिससे वो पोकेमोन मर भी सकता है। एंड ये चीज़ हम लोग रियल वर्ल्ड में भी देख सकते हैं, जहाँ पे भाई किस तरीके से जानवरों को रखा जाता है ताकि वो उनका काम कर सके, एंड किस कदर जानवरों को ट्रीट किया जा सकता है जस्ट इन केस कि बस इंसानों का मन भर सके। एंड ये चीज़ तुम लोग पोकेमोन के अंदर भी देख सकते हो भाई, ये चीज़ काफ़ी हद तक रियल जैसा ही है। नेक्स्ट चीज़ यार, तुम लोग को पता होगा ऐश का एक पोकेमोन था यंग लिटन, ठीक है, उसका एक दोस्त हुआ करता था। अब दिक्कत ये थी कि वो दोस्त अकेला ही उसका दोस्त था, स्टाउटलैंड। मैं बात कर रहा हूँ स्टाउटलैंड की, ये ऐश के लिटन का एक लौता दोस्त था जिसको ऐश के लिटन ने बचपन में ही खो दिया था। तुम लोग कह सकते हो कि स्टाउटलैंड ऐश के लिटन के लिए वो बंदा था ना जिसने उसको पहली बार देखा, जिससे मिला और जिससे बात की, ठीक है। लिटन ने लिटरली उसके साथ स्ट्रगल करना सीखा है। देयर वाज सो इमोशन यार, तुम लोग इस एपिसोड के अंदर अगर तुम लोग समझ पा रहे हो तो यार बहुत ज़्यादा इमोशन था। एंड जिस वक्त हमें ये पता चला कि लिटन की बैक स्टोरी क्या है, ये हर एक फैंस के लिए काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग भी था, और इसके कारण यार हम लोग को देखने मिला था एक प्यारा रिलेशन बिटवीन अ स्ट्रे लिटन, एक जंगली लिटन, और उसका मेंटर स्टाउटलैंड के बीच, और कैसे करके स्टाउटलैंड ने भाई लिटन को कितना ज़्यादा स्ट्रांग बनने में मदद की। देखो यार, पावर एक ऐसी चीज़ है जो कि अपने रियल वर्ल्ड में भी काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकती है, मतलब काफ़ी कम लोग ही अपने रियल वर्ल्ड में जो कि पावर को सही तरीके से हैंडल कर सकते हैं एंड उसको अपने दिमाग पर चढ़ने नहीं दे सकते। एंड लेकिन पोकेमोन वर्ल्ड के अंदर एक करेक्टर है सबरीना, मेरी बात मानो तो सबरीना से ज़्यादा पावरफुल जिम लीडर मुझे नहीं लगता कि आज भी कोई है। वो साइकिक पावर को पजेस करती है एंड कसम से वो किसी को भी मार मूर सकती है, गुड्डा बना के उसके साथ खेल सकती है, ठीक है। एंड लेकिन दिक्कत ये थी कि भाई उसने अपनी पावर का यूज़ के कारण उसका पावर इतना ज़्यादा था कि वो बंदी कंट्रोल ही नहीं कर पाई, एंड एट लास्ट क्या हुआ कि उसके परिवार वाले ही उससे नफरत करने लग गए एंड उससे दूर होते चले गए। मतलब ये काफ़ी हद तक अपने रियल वर्ल्ड जैसा ही था, जहाँ पे लोग अपने पावर को कंट्रोल नहीं कर पाते एंड वो कुछ ऐसे डिसीजन ले बैठते हैं कि उनसे जो उनके करीबी रिश्तेदार होते हैं वो भी दूर हो जाते हैं। शायद से मैं ही हूँ जो एक पोकेमोन जैसी बचकान कार्टून में इतना लॉजिक ढूंढ रहा है, बट ठीक है भाई। नेक्स्ट एपिसोड था यार जब ऐश को बेसिकली मार दिया गया था म्यूटू एंड म्यू से, एंड ए चलो चुप करो यार, सच बोल रहे यार, तुमको रोना नहीं आया हाँ, तुम्हारे दिल में थोड़ा सा कुछ नहीं हुआ, झूठ बोल रहे हो अगर तुम ऐसा बोल रहे हो तो, क्योंकि जब तुमने पहली बार देखा होगा ना म्यूटू वाला मूवी तो यार तुम सभी को पता है वहाँ पे कितना ज़्यादा हम लोग को क्रॉस फायर देखने मिला था बिटवीन टू पोकेमोन्स, एंड वहाँ पे दो लेजेंडरी पोकेमोन, आई मीन एक म्यू जो कि माइथिकल है और एक म्यूटू जो कि लेजेंडरी है, उसके बीच में क्रॉस फायर हुआ था जिसके बीच में ऐश केचम आ गया था ताकि वो दूसरों को बचा सके, एंड उसके कारण वो ऐश केचम वहाँ पे पत्थर का बन गया था, ठीक है। बट हम लोग को वहाँ पे एक चीज़ देखने मिला था, पता है कसम से अगर वहाँ पे कोई पोकेमोन पत्थर का बना होता ना तो शायद से इंसानों को इतना दुख नहीं होता, बट वहाँ पे एक बंदा एक इंसान पत्थर का बन गया था जिसके कारण पोकेमोन इतने इमोशन हो गए, शायद से इस कारण कहा जाता है कि आजकल इंसानियत इंसानों से ज़्यादा जानवरों में जिंदा है। ये चीज़ तुम लोगों ने रियल वर्ल्ड में भी सुना होगा, यानी हम लोग पोकेमोन वर्ल्ड में भी काफ़ी बार देखते हैं जहाँ पे इंसान पोकेमोन को बुरे तरीके से ट्रीट करते हैं, बट इन रिटर्न यार तुम लोग देख सकते हो पोकेमोन कितने प्यारे तरीके से पेश आते हैं। बस भाई कार्टून शो है, मैं इतना क्या लॉजिक ढूंढ रहा हूँ इस पर, पर ठीक है यार। अब यार नेक्स्ट पोकेमोन है इन्फनीप। तुम सभी को पता है गुस्सा एक ऐसी चीज़ है जो कि अच्छे खासे चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर सकती है, एंड काफ़ी सारे रिलीजियस बुक्स हो गए या फिर काफ़ी सारे नॉवेल्स वगैरह में भी कहा जाता है गुस्सा एक ऐसी चीज़ है जो सबके बस की बात नहीं कंट्रोल करना, इसलिए लोग अवॉइड करते हैं गुस्सा करना क्योंकि वो फिर तुमसे कंट्रोल नहीं होगा। बट गुस्से को अगर सही तरीके से यूज़ किया जाए ना तो भाई उससे तगड़ी पावर कोई नहीं है इस दुनिया में, ठीक है। जब कोई बंदा एक्चुअल में गुस्सा होता है ना तब उसकी पावर स्किल्स जो होती है ना वो एकदम एक्सट्रीम पे जा चुकी होती है, एंड ये चीज़ तुम लोग पोकेमोन वर्ल्ड में इन्फनीप को भी देख सकते हो।
मैं तुम्हें लिख के देता हूँ, अगर इन्फर्निव एश को नॉर्मली मिला होता तो वो इतना स्ट्रांग कभी नहीं बनता। इन्फर्निव उतना स्ट्रांग इसलिए बना क्योंकि उसने अपने जेलसी को, उसने अपने एंगर को, या फिर जो भी उसको पॉल के अगेंस्ट था, जो ग्रजस थे, उसने उसको अपनी पावर में बदल दिया। बेसिकली मैं तुम्हें एक टिप देना चाहता हूँ, गुस्सा तो मत ही करो, बट अगर तुम्हारे अंदर गुस्सा है ना और तुम उसको कंट्रोल कर सकते हो, देन ट्रस्ट मी, इससे ज़्यादा पावरफुल चीज़ दुनिया में कुछ नहीं है भाई। गुस्सा डिस्ट्रॉय कर सकता है, लेकिन गुस्से को सही तरीके से यूज़ करो तो तुम लोग इन्फर्निव का एग्जाम्पल ले सकते हो, जिसने भाई बदल के रख दिया पूरा गेम। ठीक है, उस बंदे ने पता नहीं कितने पोकेमोन को ढेर चटाया है। ठीक है, नेक्स्ट पोकेमोन इवेंट तुम लोग देख सकते हो, जहाँ पे टेंटाक्रूल को लाया गया था, एंड ये भी काफ़ी हद तक रियल था, जहाँ पे हम इंसान क्या करते हैं, कोई भी रिसोर्सेज को निकालने के लिए, अपने इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए हम लोग चीज़ों को एक्सप्लॉइट करना शुरू करते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर में तुम्हें पता होगा कि लिथियम का डिपॉजिट मिला है जो कि $3 trillion का है, जिसके रिलेटेड काफ़ी सारे ऐसे केसेस उठ रहे हैं कि भाई वहाँ पे उस लिथियम को निकालने के लिए माइनिंग की जाएगी। एंड तुम सभी जानते हो कि माइनिंग से कितना ज़्यादा, समझ रहे हो ना, तुम लोग कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है इन्वायरमेंट में। एंड तुम सभी को यार टेंटाक्रूल वाला एपिसोड याद होगा, जहाँ के अंदर इंसान क्या करते हैं, उनके घरों को यूज़ करते हैं, मतलब ओशियंस को बेसिकली अपने लिए यूज़ करने लग जाते हैं, जिसके कारण टेंटाक्रूल पानी से उठ के ज़मीन पर आ चुके होते हैं और अटैक करना चालू करते हैं। सिमिलरली जब अभी लिथियम के डिपॉजिट मिला तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं कि भाई उसको एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, और ऑब्वियसली एक्सट्रैक्शन मतलब एक्सप्लॉयटेशन, एंड एक्सप्लॉयटेशन मतलब एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो खैर आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, एंड ऐसे एक और भी चीज़ें जहाँ पे यार लिटरली पोकेमॉन वर्ल्ड अपने रियल वर्ल्ड के एकदम बराबरी में आ चुका था, या फिर काफ़ी बार तो उससे भी ज़्यादा रियल लगने लग गया था। खैर कार्टून है एनिमे जो भी कह लो, इतना रियलिटी से मत लिंक करो वरना पता नहीं रोते रह जाओगे। खैर आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूं मैं आज की वीडियो देखने में पसंद आई होगी, पसंद आई होगी तो लाइक करना, चैनल पर तो सब्सक्राइब करना फॉर मोर सच पोकेमॉन एंड अदर वीडियोस। तब तक के लिए अपने ध्यान रखना, सी यू नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन पीस आउट।